कर्नाटक हिजाब पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। कोर्ट के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश के बाद अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध यूं ही जारी रहेगा। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म पर फैसला लेने का अधिकार। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार का शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ने कुछ सवाल तैयार किए और उसी के मुताबिक जवाब दिए गए। हर पहलू पर विचार करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस्लामिक आस्था के तहत हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है जो अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है। संविधान का अनुच्छेद 19 ए महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने तर्क दिया था कि हिजाब पहनने की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता और व्यक्तिगत गरिमा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी के आदेश में छात्रों के ऐसा कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाई थी जिससे शांति सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहीं उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने सरकारी आदेश को रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच 10 फरवरी से मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलने को कहा था। बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज से 27 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी जब कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास आने से रोका गया था। हिजाब पहनकर क्लास आने से रोकने पर विरोध शुरू हो गया। उडुपी के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हेड स्कार्फ पहनने पर जोर देने के लिए कक्षाओं से रोक दिया गया था। कर्नाटक हिजाब विवाद में बुर्का पहनकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान पोस्टल गर्ल बन गई थी। 19 वर्षीय मुस्कान कॉमर्स सेकेंड ईयर की छात्रा है जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और इस मामले से जुड़ी कई घटनाएं भी सामने आने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।